पब्लिक टीवी आपकी आवाज। किसानों पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर शनिवार को भारतीय किसान यूनियन भानु ने एक विशाल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार नारेबाजी कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। पूरे कलेक्ट्रेट किसानों के जमावबाड़े से घिरा नजर आ रहा था, तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने 3 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और उन्होंने कहा कि हम रामपुर के लिए प्रस्थान करेंगे, उसके बाद भारी संख्या में किसान लखनऊ के लिए कुछ करेंगे। और उन्होंने कहा कि मुरादाबाद में राणा शुगर मिल में किसानों के साथ हो रही धांधली को बंद किया जाए और मुंडा पांडे पुलिस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुंडा पांडे में खनन माफियाओं हल्ला बोल रहता है, कोई भी अधिकारी खनन माफियाओं पे शिकंजा नहीं कस रहा है और पुलिस भी बस देखकर अनदेखी करती है। ऐसा है, हमारे प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जितेंद्र सिंह और उनके तमाम साथी हैं, संतोष यादव उपाध्यक्ष हैं और आप महासचिव हैं और तमाम साथी आए हुए हैं जी। प्रधान ये चाहते हैं कि गांव का विकास हो और मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि गांव का विकास हो। तो गांव का विकास हो, किसान का विकास हो, किसान ही प्रधान है, प्रधान ही किसान है, सब लोग मिलके चल रहे हैं। लेकिन हम जब तक अलग अलग रहे तब तक हमारी किसी ने नहीं सुनी। 72 साल में ग्रामों को किसानों को कोई आज़ादी नहीं मिली। आज़ाद होना है तो प्रधानों को पूरा अधिकार दें, गांव में सड़कें हों, गांव में पीने का पानी हो, टंकी हो, जितने भी संसाधन ये मांग रहे हैं इनकी उचित मांगे हैं, जेन्युइन मांगे हैं, इसलिए सरकार को पूरी करनी होगी। और भारतीय किसान भानु प्रधान संगठन के साथ है, प्रधान संगठन भारतीय किसान भानु के साथ है। हमारी मांगे हैं किसानों को आज़ाद, ताली वाली मत बजाओ, किसानों को पूरा, किसानों को ये स्वतंत्र होंगे किसान तो प्रधान स्वतंत्र होंगे और प्रधान स्वतंत्र होंगे तो किसान स्वतंत्र होंगे। इसलिए आज तक राजनेताओं ने इस किसानों को और गांवों को स्वतंत्रता नहीं दी। जितेंद्र चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रधान, भारत की पंचायतों को बचाने के लिए, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए अखिल भारतीय प्रधान संगठन जो पंचायतों का सैद्धांतिक जो वैधानिक उसको अधिकार हैं उनको लेकर उन्हें पारित कराने के लिए, उन्हें लागू कराने के लिए हम बीते कई वर्षों से उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई अन्य राज्यों में धरातल पर हम लोग मांग कर रहे हैं, अपना मूवमेंट चला रहे हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से हम लोगों ने मांग की है कि जो भारत का जो संविधान है, जिस संविधान में पंचायतों को सेल्फ गवर्नमेंट का दर्जा दिया है, ये दर्जा लागू होना चाहिए। जो 73वां संविधान संशोधन था इसे लागू करना चाहिए ताकि इन यहाँ की हिंदुस्तान की पंचायतों का संपूर्ण विकास हो सके। क्योंकि जब तक हिंदुस्तान की पंचायतों को आप स्वतंत्र नहीं कर देते तब तक गांव का विकास होना असंभव बात है। हम लोग चाहते हैं कि 2019 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को सद्बुद्धि आए, उनको हम जगाने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर अखिल भारतीय प्रधान संगठन बीते 5 महीनों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं राम सेवक यादव जी, इनके नेतृत्व में हम लोग लखनऊ के इको गार्डन में 250-300 प्रधान बैठे हुए हैं। जब हमारी नहीं सुनी गई, हमारा चूंकि 2 बार हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी भेंट हुई, लेकिन हमारे जो मांग है, जो हमारी सैद्धांतिक मांग है, जब वो पूरी नहीं हो पा रही तो हम लोगों ने पूरे 75 जिलों में ग्राम स्वराज जागृति अभियान निकालकर इस सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया है। इसमें हमें बहुत बड़ी मजबूती दी है भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने। अब हम सीधा संदेश यहाँ की सरकार से करना चाहते हैं कि देखिए, चूंकि प्रधान और गांव एक ही है, गांव और किसान एक ही बात है, और आज किसान और प्रधान दोनों जाग चुका है। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप जो हमारा सैद्धांतिक जो अधिकार है, जो संविधान ने हमको दिया है अनुच्छेद 40 में जो सेल्फ गवर्नमेंट का गांव को दर्जा दिया गया है, इसको आप जल्द से जल्द लागू करिए, वरना 2019 के चुनाव में आप निश्चित आपको हम लोग अपने मत का अधिकार कर हम लोग जवाब देने का काम करें।